राधे राधे दोस्तों, आज जो हमारे हाथ में आप देख रहे हैं ये है ब्रह्म कमल का पौधा। दोस्तों आपको हम बताए थे जब हमें ब्रह्म कमल का पौधा मिल जाएगा तो इसका वीडियो लेकर आएंगे, और ये हमारा ब्रह्म कमल का पौधा हमें मिल चुका है और हमें कोई भीवर ही दिया है इस ये पौधा को, कोई हमारा भीवर दिया है कि ये आप लगाएं, क्योंकि हम वीडियो में बताए थे कि यदि आपके पास हो तो हमें ज़रूर दें। हम नर्सरी में इसे खोज रहे थे, हमें मिल नहीं रहा था। ब्रह्म कमल का पौधा यदि आप खोज कर लगाते हैं तो आपके घर में कहते हैं कि तीन देवी देवता का वास होता है, क्योंकि ये ब्रह्म कमल है। अब ब्रह्म कमल के फूल में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवी देवता इसमें वास करते हैं और ये 12 बजे के बाद ही खिलता है। ये पौधा आपका उत्तराखंड में ज़्यादा मिलेगा, पहाड़ी क्षेत्र में ये पौधा मिलता है, ज़्यादातर उत्तराखंड में ये पौधा मिलता है। तो दोस्तों ये पौधा ब्रह्म पौधा इसलिए कहा गया है, ये 12 बजे रात को ही खिलता है पौधा, और इसका बहुत ही सुंदर इतना बड़ा कम से कम फूल होता है। आप फूल के अंदर आप देखेंगे तो आपको आकृति दिखेगा भगवान का, ब्रह्मा विष्णु महेश का आकृति दिखेगा। जिस तरह ब्रह्मा भगवान रहते हैं कमल में, आपको उसी तरह बीच में, फूल का बीच में आपको ये आकृति दिखेगा ब्रह्मा भगवान का। तो दोस्तों ये पौधा जो हम लगा रहे हैं अपने घर पर बहुत ही शुभनीय पौधा है। इसे आप ब्रह्म कमल का एक बार हम पहले भी बनाए थे तो किसी के पास था, वो उखाड़ कर फेंक दिया था। इतना अच्छा फूल होता है इसमें, और फूल इसका लीप में, ये जो लीप देख रहे हैं ये लीप में ही पौधा आपका खिलता है। और इसका खिलने का कारण है, आप यदि खिलता हुआ पौधा देख लेते हैं तो कहता है कि आपको बड़ा आदमी बनने से कोई रोक नहीं सकता। जल्दी कोई देख नहीं पाता है ये ब्रह्म कमल का पौधा खिलते हुए, क्योंकि ये 12 बजे रात को ही खिलता है। कभी भी आप जाएंगे तो आप खिला हुआ पौधा देखेंगे। इसका कली कम से कम इतना बड़ा होता है, इस तरह से, इस आकृति से इतना बड़ा होता है, और सुबह होते होते इसका मुंह बंद हो जाता है। तो ये पौधा हम कम से कम, ये हमारे घर में ये केवल डंटी हमें दिया गया था और 2-4 लीप आया था, तो इसमें कबूतर देख सकते हैं किस तरह से काटा हुआ है। तो दोस्तों इसे हम छिपा कर रखें, और इसका अभी ग्रोथ जो है तेजी से बढ़ रहा है, तो हम इसे गमला में रिपोर्ट करेंगे। दोस्तों इसमें कुछ विशेष जानकारी है कि इसे रिपोर्ट करते समय क्या सावधानी रखना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम मिट्टी का हम जांच कर लें, तो मिट्टी हमारा गार्डन का ही मिट्टी है, नॉर्मल मिट्टी है। इसमें आप फिलहाल आप नॉर्मल मिट्टी में ही लगाएं, जब आपका पौधा इतना बड़ा हो जाए तब इसमें आपको देना है गोबर खाद। गोबर खाद बहुत ही अच्छा खाद होता है, क्योंकि ये खाद सदियों पुराना से चला आ रहा है, ये गोबर खाद। तो दोस्तों गोबर खाद एक होता है कि ये धीरे धीरे हमारे पौधों को न्यूट्रिशन देता है, और यही केमिकल यदि दे देते हैं तो वो तेजी से देता है, उतना ही तेजी से डाउन भी होता है। और गोबर खाद है कि कम से कम एक बार आप दे दिए तो कम से कम 6 महीना का निश्चित हो जाएंगे। इस तरह से ये गोबर खाद इसलिए खेतियों में ज्यादा पड़ा जाता है। तो दोस्तों हम इसे क्या करेंगे, गमले में हम मिट्टी डाल दिए हैं, नॉर्मल मिट्टी गार्डन का, इसमें थोड़ा सा रेत मिला हुआ है। अब इसमें जो हम देंगे, सबसे पहले अभी बरसात के सीजन में कोई भी पौधा आप लगाएं, हल्दी या आप फंगीसाइड का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि ये चीज आप करते हैं तो आपका पौधा रिपोर्ट करने से कभी भी नहीं मरेगा। हम यहाँ पर 1/2-1/4 चम्मच फंगीसाइड दे रहे हैं, ताकि हमारा मिट्टी में किसी भी तरह से, अभी आप कहीं से भी मिट्टी लाते हैं तो उसमें फंगस बैक्टीरिया बहुत ही ज्यादा पनपा हुआ रहता है। बैक्टीरिया तो हमारा एक सूक्ष्म नाम का बैक्टीरिया होता है जो हमारे पौधे के लिए गुड होता है, और यही जो होता है एक और भी फंगस लगने वाला होता है जो जड़ों को खाता है, तो जड़ों को जो खाएगा, तो इसलिए हम इसमें फंगीसाइड दिए हैं। ये चीज आपके घर में यदि नहीं है तो आप हल्दी का भी इस्तेमाल करें। हल्दी भी आप इस तरह से 1/2 चम्मच 1 चम्मच, और आप पौधा अपने घर पे लगाए हुए हैं तो हल्दी का 1/2 चम्मच 15-15 दिनों में अपने पौधे में दें, तो इससे क्या होगा, हमारे जड़ों में सड़ने गलने का शिकायत नहीं होगा। हमारा पौधा अचानक से जो अटैक होकर मरता है, एक मरता है गर्मी में और एक मरता है बरसात, और दूसरी मरती है ठंडा में। ठंडा में पाला पड़ने की वजह से मरता है, बरसात में अधिक पानी पड़ने की वजह से मरता है। तो इस तरह से हम मिट्टी को नीचे ऊपर कर दिए हैं और फंगीसाइड भी दे दिए हैं। तो दोस्तों इसे हम निकालेंगे इस तरह से कैरी बैग से, और देखेंगे कितना इसमें जड़ हमारा पनपा है। कोई ज्यादा जड़ जो है इसका नहीं पनपा है, आप देख सकते हैं। और ये फंगीसाइड हम थोड़ा सा घोर के रखे हैं, तो इस तरह से हम इसके इस तरह से जड़ से ऊपर दे दिए, और यहां पर इसे हम डाल देंगे। इसे डाल देंगे, डालने के बाद थोड़ा सा मिट्टी हम इस तरह से देंगे, क्योंकि ये पौधा का लीफ जो है बहुत ही नाजुक होता है। इस तरह से हम देने के बाद इसमें मिट्टी दे देंगे, और इसे इस जगह रखें जो लगातार अभी पानी ज्यादा पड़ रहा है, तो हमें इसे पानी से हटाकर रख देना है। और जैसे
मही दाना आदि पानी पड़ रहा है तो वो पानी ये पौधा के लिए अमृत करता है, और जो बहुत ही तेजी पानी करता है या तेजी पानी पड़ता है तो वो पानी हमारा पौधा को नुकसानदायक है। तो इस तरह से हम इसे हम साइड साइड दे देंगे, और जब हमारा पौधा बड़ा होगा तब हम इसमें और मिट्टी भरेंगे, क्योंकि अभी हम मिट्टी भर देते हैं तो हमारा पौधा पूरा ढक जाएगा। और इसे आप इस जगह रखें पेड़ों के बीच में, क्योंकि इसमें पानी हल्का ही पड़े, क्योंकि मिट्टी हमारा देख सकते हैं कितना नम है। इस तरह से अब जो इसका ग्रोथ होगा बहुत तेजी के साथ होगा। इसमें आप दो चार दाना डीएपी भी दे सकते हैं, जड़ों में नहीं देना है आपको, साइड में देना। इस तरह से जड़ में इधर आप चार दाना और इधर आप चार दाना करके, यानी आठ दाना हो गया। आप दस दाना भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डीएपी है, यूरिया नहीं है कि यूरिया हमारा पौधा का जला देगा। डीएपी थोड़ा सा यूरिया से महंगा आता है पर काम बहुत ही दमदार करता है। तो कोई भी पौधा में आपको बोलते हैं कि हम डीएपी देने के लिए, अभी बरसात के सीजन में तो एक नंबर डीएपी है, क्योंकि हम उसमें घोल के भी नहीं देंगे, केवल ऐसी चार दाना दे देंगे तो धीरे धीरे हमारे पौधों को जो न्यूट्रिशन है पहुंचाता रहेगा। और ये पौधा आपने घर पे लगाए हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके घर में ब्रह्म का कमल है, पौधा है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं, थोड़ा हमें भी आप बताइएगा इसके बारे में। जो भी हम जाने हम आपको बताएं। और ये पौधा हमें लगाने के लिए बहुत ही मन कर रहा था, ये विशेष करके हम इसे हर जगह ढूंढ रहे थे तो ये पौधा हमें मिल गया है। और ये पौधा हम डंटी से लगाए हैं, ये लीफ से भी लगता है, इतना बड़ा बड़ा जो लीफ होता है, एक लीफ भी डाल देंगे। हमारे कहने से एक सब्सक्राइबर था बेंगलोर का, वो लीफ से ही लगाई थी, लीफ से लगाने के बाद उसका घर में अच्छा से फूल देना स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों ये जानकारी हमारा अच्छा हो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।